शब जिंदगी की इमारत की स्टेट होती है और तस्वीर उस इमारत की एक बहुत ही खूबसूरत खिड़की होती है, पर जरूरी होता है उस खूबसूरती को दिल से समझना। अशा शब्दात छायाचित्रकार पद्मश्री रघुराय यांनी शब्द आणि फोटो यांच्यातील तफावत सांगितली। हेरिटेज द आर्ट लिक्सी अकॅडमीतर्फे आयोजित प्रकट मुलाखतीमध्ये निवेदक सुधीर गाडगे यांनी राय यांच्याशी कोण जास्त बोलकं असतं, शब्द की फोटो या विषयावर संवाद साधला। यावेळी अकॅडमीचे संतोष पोतदार उपस्थित होते। अभियांत्रिकी ते छायाचित्रकारापर्यंतचा प्रवास, भोपाळ दुर्घटना, विविध निवडणुका, पंडित भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, किशोरी अमोणकर यासारख्या व्यक्तींचे छायाचित्रण, अशा विविध आठवणी सांगत त्यांनी सध्या देशात रंगवल्या जाणाऱ्या अच्छेदींच्या फसवणुकीबाबत तीव्र असंतोष व्यक्त केला। जो मैं पहले कह रहा था ना कि सब में कोई ना कोई कलाकार छुपा होता है, वो बात बड़ी कीमती है। तो अब मैंने तो कभी फोटोग्राफर बनने का सोचा भी नहीं था, और इंजीनियरिंग की थी मैंने, और मुझ पे वो थोपा गया कि आप ये करेंगे, और वो लकीली वो जॉब जो थी 2 साल की थी, उसके बाद फिर से अप्लाई करना था, मैंने नहीं किया क्योंकि अब 10 से 5 सरकारी ऑफिस में बैठना मुझे नहीं पसंद था। एक लेवल पे ला के मीडियोकर बना के अच्छे बच्चे हैं, बात करने का तरीका है और थैंक यू बोलने का है, ठीक खाना है, ठीक पहनना है। आजकल तो मतलब सरकारें और पॉलिटिक्स इतना बेईमान हो गया है कि आज की तो कल्चर ही बेईमानी की हो रही है सारे देश में, जो कि बड़े शर्म की बात है। और देशभक्त और देशभक्ति वो हुआ करती थी, माफ़ कीजिए, आज किसी में नहीं, किसी में नहीं, कोई भी।